अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय बेकिंग चैनल। अगर आप बग़ैर अवन के परफेक्ट बेकिंग करना चाहते हैं, वो भी पतीले में बग़ैर किसी कोर्स के, तो आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और मेरी तमाम वीडियोस को गौर से देखें। उसमें मैंने बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स दी हैं और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ अपना बेकिंग नॉलेज भी शेयर करूँगी। तो आज ये एक बहुत ही प्यारा सा केक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उसका डिज़ाइन। तो ये 2 पाउंड का केक था, ब्लैक फॉरेस्ट फ्लेवर में था और सारी कलर कम्बिनेशन डिज़ाइन वगैरह जो भी था वो कस्टमर ने खुद ही सिलेक्ट किया था। ये मेरा ही बनाया हुआ केक था, पहले मैंने एक दफ़ा बना चुकी थी तो उन्होंने मेरे फेसबुक पेज से ही ये डिज़ाइन लिया और मुझे दिखाया कि ऐसा बनाना है। अच्छा जी, इस केक को बनाते हुए आज मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और बहुत ज़्यादा उदास थी और मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कि मैं इस केक को बनाऊं, लेकिन चूंकि मैंने कमिटमेंट की हुई थी कस्टमर से और ऑर्डर लिया हुआ था, वादा किया हुआ था, तो अपना वादा तो पूरा करना ही था। और खैर, मैंने बहुत खुशी खुशी से ये केक बनाया। अच्छा, परेशान मैं इसलिए थी कि जब मैं केक बनाने लगी तो उस वक्त अचानक से मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब होने लग गई और वो उनको एकदम से घबराहट होने लग गई, बेचैनी होने लग गई। तो उनको मैंने अपने रूम में शिफ्ट किया और मैं उनके रूम में चली गई, क्योंकि मेरा रूम बहुत ज़्यादा एरी है, खुला है और उसमें काफ़ी ज़्यादा रोशनी आती रहती है। तो मैंने कहा कि आप इधर चली जाएँ तो मैं आपके रूम में चली जाती हूँ, क्योंकि केक बनाने में बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है, तो फिर मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी। खैर, दरमियान में उठ उठ के मैं अपनी मदर के पास जा रही थी और बहुत ज़्यादा टेंस भी थी, केक का काम भी कर रही थी और इतनी टेंस थी, इतनी परेशान थी कि मैंने क्रीम जो है ना वो 2 पाउंड के हिसाब से विप करनी थी, लेकिन मैंने 1 पाउंड के हिसाब से विप कर ली। जब करने बैठी काम तो मुझे एहसास हुआ कि ये क्रीम तो मैंने कम विप की है। लेकिन खैर, चूँकि ये केक जो है ना मैंने गर्मियों में बनाया था, ये बहुत पुरानी वीडियो है, तो इसको क्रम कोट करके मैं फ्रिज में रख देती हूँ, तो इसलिए फिर मैंने कहा कि चले बाकी क्रीम जो है वो मैं बाद में विप कर लूँगी। जब तक ये केक ठंडा हो रहा था तब तक मैं अपनी मदर के पास चले गई, उनके साथ बातें शातें की और उनको किसी भी तरीके से मैंने उनको आराम से सुला दिया था। फिर मेरे अबू भी वापस आ गए थे तकरीबन 4:30-5 बजे के टाइम और केक डिलीवर करने में भी काफ़ी टाइम था। तो जैसे ही मेरे फादर आए तब मैंने अपना केक निकाला और मैं अपने रूम में दोबारा से आई और यहीं पे बैठकर ही मैंने अपना काम रीस्टार्ट किया। तो फिर मैंने अपने अबू को बताया कि ऐसा ऐसा है, तो उनको डॉक्टर के पास ले गए और फिर इतने में मैंने अम्मी के आने से पहले पहले जो है ना वो अपना सारा काम जो है वो वाइंड अप कर लिया, यानी कि इसकी जो फाइनल फ्रॉस्टिंग थी वो मैंने कर ली है। ऑरेंज कलर की क्रीम थी इसमें, बस विपिंग क्रीम में मैंने सिंपल ऑरेंज कलर डाला तो ये जो है ना वो ऑरेंज कलर बन गया। बल्कि मैंने ऑरेंज कलर नहीं डाला, मेरे पास ऑरेंज कलर है ही नहीं, मैंने रेड कलर लिया और येलो कलर दिया, उन दोनों को मिक्स करके ऑरेंज कलर बनाया। मेरे पास बहुत कम वैरायटी है कलर्स की, तो उनकी कॉम्बिनेशन से ही मैं कुछ कलर्स बना लेती हूँ। खैर, इसकी फाइनल फ्रॉस्टिंग हो गई और स्क्वायर केक जो है ना इसके एजेस नीट करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह केक जो है वो मेरा माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा सा शार्पली नीट हो गया है। इसके एजेस बड़े प्यारे से बने हैं और कहीं से भी जो है ना वो केक दिख नहीं रहा, बहुत ही प्यारा सा बना है। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि कस्टमर भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थे, उनको केक पसंद भी बहुत आया था। तो खैर, जब केक की फाइनल फ्रॉस्टिंग हो गई थी उसके बाद भी मैंने इसको फ्रिज में रखा था, क्योंकि ये गर्मी का मौसम था तो क्रीम जो है वो बहुत जल्दी मेल्ट होती है, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ी देर फ्रिज में रखा था। और उसके बाद जो मैंने फाइनल डेकोरेशन बनाई हुई थी ना, फॉन्डेंट की जो डेकोरेशन बनाई हुई थी, ये बो हो गया, फ्लावर्स हो गए, रिबन हो गए, ये भी सेट हो चुके थे, तो फिर मैंने इनको केक के ऊपर अच्छे तरीके से सेट कर लिया था, जैसे जैसे अरेंजमेंट थी पिक्चर के अकॉर्डिंग मैंने कर ली। और हैप्पी बर्थडे मरियम भी लिख दिया। तो आप ये बताइएगा कि आपको ये केक कैसा लगा है और इंशाल्लाह मैं आपके साथ बाकी टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूँगी, फॉन्डेंट वर्क की भी, क्रीम वर्क की भी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मुझे और मेरी अम्मी को दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।